एमपी की बात करेंगे, क्योंकि एमपी में भी आज मोदी आज एमपी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। सागर, हरदा और भोपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। सागर की बात करें तो सागर के बड़तुमा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड के समीकरण साधेंगे, क्योंकि ये सीट बुंदेलखंड में आती है। ऐसे में बुंदेलखंड के अहम मुद्दों को लेकर पहले भी बात की और एक बार फिर से बुंदेलखंड के समीकरण साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं हरदा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करेंगे। भोपाल में रोड शो होगा, 1 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, करीब 1 घंटे तक रोड शो चलेगा और शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की शुरुआत होगी। और इस रोड शो की बात करें तो 25 आईपीएस और 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 20 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वीं बार का दौरा है। और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री के आने से पहले जो तैयारियां राजधानी भोपाल में की गई हैं। यहां पर बीजेपी के झंडे आज, साथ ही भगवा रंग के झंडे में आज भोपाल नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। 25 आईपीएस और 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हालांकि आज सभा को संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन रोड शो, भव्य रोड शो आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी भोपाल आ रहे हैं और राजधानी भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होने जा रहा है। मेगा रोड शो को लेकर आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल में जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद हो गई हैं। न्यू मार्केट की ये जो सड़क है जिसे आप देख रहे हैं, इसमें हर तरफ सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के जो ध्वज हैं, जो झंडे हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सड़कों के दोनों तरफ जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं और इन बैरिकेड्स के बीच में ही जो लोग हैं, आम लोग, उनके पीछे खड़े होंगे और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभिवादन है वो करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि करीब जो मंच है वो बनाए गए और ऐसे जगह जगह पर करीब 200 से ज्यादा जो मंच बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग जो लोग हैं, समुदाय के जो महिलाएं हैं, समाज है, साधु संत है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो तीसरे फेज में चुनाव है और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा चुनावी मैदान में है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में जो रोड शो है वो करते हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो बड़े पोस्टर्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पोस्टर्स है लगा हुआ है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 किलोमीटर लंबा रोड शो यहाँ पर आकर जो मेजर नान के पेट्रोल पंप रहा है यहाँ पर आकर खत्म होगा। और इसी के साथ ही भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में ये जो रोड शो है वो भव्य रोड शो यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन अगर इस सीट की बात कर ली जाए तो भाजपा का मजबूत गढ़ है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे बिना कुछ कहे उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे और उनसे आशीर्वाद देने की अपील भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। दूसरे चरण के मतदान से पहले राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेगा रोड शो होने जा रहा है। ये जो न्यू मार्केट चौराहा है जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से जो स्वागत द्वार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन करते हुए, वो इस तरीके से जो जगह जगह पर जो स्वागत द्वार है वो नजर आ रहे हैं। और ये जो बड़े से मंच है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जिसमें अलग अलग जो वर्ग की महिलाएं हैं, साधु संत हैं, वो यहाँ पर खड़े होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्रोच्चार के साथ स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और हर तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वागत का जो गुंजायमान है वो यहाँ पर नजर आएगा। आप देखेंगे कि ये जो बैरिकेड्स है वो सड़कों के दोनों तरफ लगाए गए हैं, जहाँ पर आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो करते हुए नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकेंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, इसीलिए जो तमाम इंतजाम है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री ना सिर्फ राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं बल्कि सागर में भी पहुंचेंगे और इसी के साथ ही हरदा में भी पहुंचेंगे और एक साथ करीब 11 से 12 लोकसभा सीटों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ ही अलग अलग जो वर्ग विशेष के लोग हैं उन तक भी जो अपनी बात है वो पहुंचाने वाले हैं। और इसी के साथ ही एक बात यह भी है कि जब
प्रधानमंत्री जहां जहां पहुंचते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है। और ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री भोपाल पहुंच रहे हैं और ये वो सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है, ऐसे में यहां पर जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा बढ़े, इसको लेकर भी यहां पर अब जब प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है उसको लेकर भी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। और भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करते हुए यहाँ पर पीएम नजर आएंगे और आप देखेंगे कि इस तरीके से जगह जगह पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, जो बड़ा प्रधानमंत्री का जो पोस्टर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही जो पूरा रास्ता है जहाँ जहाँ से पीएम का रोड शो होकर गुजरेगा वहाँ पर जो पीएम के जो पोस्टर्स हैं वो हर एक एक जगह पर नजर आ रहे हैं और अलग अलग जो जो समुदाय वर्ग विशेष की महिलाएं हैं बल्कि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी आज यहाँ पर पहुंचेंगी और पीएम का स्वागत करते हुए नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज भोपाल। तो स्वागत की तैयारी की गई है, 200 मंच बनाए गए हैं, इसके साथ ही स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भोपाल में स्वागत करेंगे। दौरे से जुड़ी हुई हर जानकारी बंसल न्यूज पर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।